हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फिटकरी के बेनिफिट। तो फिटकरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिटकरी का यूज जो है कहीं जैसे कटने पर या जो है हम उसे औषधि के रूप में यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये हमारे जो है ब्यूटी टिप्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगर आपकी स्किन लटकी हुई है या बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स आ गई है या आपके चेहरे पर पिंपल्स रिंकल्स की समस्या है बहुत ज़्यादा, तो आप फिटकरी का यूज करके अपने चेहरे को स्वस्थ और कोमल बना सकते हैं, फेयरनेस भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड, फिटकरी का यूज हम कैसे करेंगे तो आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा फ्रेंड। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये फिटकरी। तो आप, जैसे कि मैं आप लोग के साथ बहुत सारी रेमेडी शेयर करती हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आप सारी रेमेडी को ट्राई करें, आप एक बार ट्राई करें। अगर आपको ज़्यादा जिस पर आपको जो आपकी स्किन पर ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि फिटकरी का यूज करके आप अपने चेहरे के पिंपल्स रिंकल्स और लटकी हुई स्किन या फाइन लाइन्स झुर्रियों को आप जो है समाप्त कर सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के द्वारा कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी फिटकरी के बेनिफिट। तो फिटकरी को आपको ब्यूटी टिप्स में कैसे यूज करना है, आपको जो है आप इसे टोनर बनाकर यूज कर सकते हो, स्क्रब बनाकर यूज कर सकते हो, फेस पैक भी बनाकर यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करना है वही मैं आप लोग को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टोनर बना रहा है तो आप टोनर बनाने के लिए आपको फिटकरी का पाउडर लेना होगा। आपको फिटकरी को पहले पीस लेना है और उसका पाउडर लेना होगा फिटकरी का, और उसमें जो है हम रोज वाटर मिक्स करेंगे, और ओनली आप जो है जो फ्रेश वाटर पीने में यूज करते हैं उसको भी आप उसी में मिक्स करेंगे, और उसके बाद एक विटामिन ई की कैप्सूल डाल देंगे। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा। वाटर तो सबके घर होता ही है, बस रोज वाटर, फिटकरी का पाउडर एंड विटामिन ई की कैप्सूल, बस यही तीन इंग्रेडिएंट्स का हमें यूज करना है। और यूज करके आपको इसे बनाकर किसी भी बॉटल में आप रख दीजिए और आप इसे हफ्ते भर आप अपने चेहरे पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके क्या इफेक्ट होंगे आपके चेहरे पर? अगर आपका चेहरा आप जो है काफ़ी मुरझाया सा रहता है, या उस पर फाइन लाइन्स की समस्या हो रही है, झुर्रियों की समस्या हो रही है, या आपके जैसे गर्मियाँ बहुत हो रही हैं फ्रेंड्स, इस समय गर्मियों का मौसम है, तो इस समय टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने चेहरे पर इस तरह टोनर बनाकर फिटकरी का लगाइएगा फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिटकरी का जो भी आप बनाओगे, चाहे स्क्रब हो या टोनर या फेस पैक, सभी स्किन पर ये सूट करने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सूट नहीं करेगा, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ही क्यों ना हो, सबको सूट करेगा फ्रेंड्स। आप बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी मैंने केमिकल वगैरह का यूज नहीं किया है, तो कैसे आप लोग को साइड इफेक्ट हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस तरह टोनर बनाकर आप हफ्ते भर फ्रिज में रखकर स्टोर कर लीजिए, और आप अपने चेहरे पर दिन में कम से कम 2-3 बार आप यूज कर सकते हो, जितना बार आपका मन करे उतना बार टोनर यूज कर सकते हो। तो ये तो केवल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आप तो जानते हैं कि टोनर बिल्कुल पानी ही जैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अप्लाई कर सकते हो। और स्क्रब बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले, जैसे कि मैं स्क्रब बता रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को फिटकरी का, तो सबसे पहले आपको फिटकरी चाहिए होगा, फिटकरी का पाउडर, और उसमें आपको डालना होगा हनी। हनी तो आप जानते ही हैं कि हमारी स्किन में, अगर नेचुरल टिप्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं या कोई भी शेयर करें हम या कोई भी, तो हनी तो पहले ही आता है फ्रेंड्स। हनी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके चेहरे पर बैक्टीरिया आने से रोकता है, और साथ ही नेचुरली रूप से आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है। तो आपको क्या लेना है? फिटकरी का पाउडर, और उसमें डालना होगा आपको हनी, और इसमें थोड़ा सा आपको डालना होगा विटामिन ई की कैप्सूल, और इसे 3 इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्स करना होगा और अपने चेहरे पर स्क्रब करना होगा। तो ये आपको दरदरा सा लगेगा, तो दरदरा स्क्रब होता ही है फ्रेंड्स, तो ये आप जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं कीजिएगा, बस 1.5 मिनट काफ़ी रहेगा। तो इससे आप स्क्रब करेंगे तो इसके क्या बेनिफिट होंगे? आपके चेहरे के जो जैसे डार्क स्पॉट हो है, या आपको जो है वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, या डेड स्किन है, ये सारी रिमूव हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस स्टेप को आपको वीक में एक ही बार करना है स्क्रब को, और जो मैंने टोनर बनाया उसे आप डेली यूज कर सकते हो, दिन में कई बार भी यूज कर सकते हो। और ये स्क्रब जो है आपको वीक में एक ही बार इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मैं आप लोग को फेस पैक बताती हूँ। तो फेस पैक जो है पहले लेंगे हम फिटकरी का पाउडर, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद उसमें हम थोड़ा सा रोज वाटर मिलाएंगे और एक लाइट बेड पैक बनाएंगे और अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तब तक अप्लाई किए रहेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है हल्दी का यूज हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी जो है एक लेप बनेगा। तो फ्रेंड्स हल्दी का आप कस्तूरी हल्दी यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कस्तूरी हल्दी नहीं मिलती तो आप कच्ची हल्दी का भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसे अपने पैक को अपने चेहरे पर लगा लेना है, और लगाने के बाद आप सूखने तक इंतजार करना है। जैसे ही सूख जाए आपका चेहरा आप उसे वॉश कर दीजिए, और इस पैक को भी आपको वीक में एक ही बार लगाना है। फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, आपके चेहरे बिल्कुल कसाव आ जाएंगे, आपके चेहरे जो है बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, और आपका चेहरा काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। फ्रेंड्स तो आपको कैसी लगी ये ब्यूटी टिप्स फिटकरी की तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।